अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। अच्छा, मुझे आज आपसे डिस्कस करना है टॉयफिल के बारे में, और टॉयफिल के बारे में काफ़ी फ्रेंड्स पूछ रहे होते हैं कि कितने स्कोर रिक्वायर्ड है और एग्ज़ाम कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, कितने सवाल आते हैं। मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको पहले दो सेक्शंस जो कि टॉयफिल में होते हैं, बड़े ज़रूरी हैं, रीडिंग और लिसनिंग, उसके बारे में एक्सप्लेन करने लगा हूँ। रीडिंग के अंदर आपको बेसिकली 22 नंबर रिक्वायर्ड हैं अकॉर्डिंग टू NADP.net, और लिसनिंग के लिए आपको 21 नंबर रिक्वायर्ड है। अच्छा, 22 नंबर जिसमें आपको रिक्वायर्ड हैं, जो कि रीडिंग सेक्शन है, उसमें आपको 60 से 80 मिनट दिए जाएंगे और 3 से 4 पैराग्राफ आएंगे। 3 से 4 हर पैराग्राफ जो होगा वो 700 सवाल पे मुश्तमिल होगा 700 वर्ड्स का पैसेज आपने रीड करना है, और उसके मुतालिक 12 से 14 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, डिफरेंट नोयस के सवाल होंगे वो, और आपने हर सवाल के ऊपर तकरीबन एवरेज 1 मिनट यूज़ करना है। उन्होंने आपको बिल्कुल खुला टाइम दिया होगा, लेकिन आपके ऊपर है कि आपने टाइम किस तरह से मैनेज करना है। मैसेज रीड करने के ऊपर आप 5 मिनट लगाएं, और हर सवाल का जवाब देने के ऊपर आप 1 मिनट लगाएं। तो इस तरीके से आप 19-20 मिनट के अंदर एक पैराग्राफ कम्प्लीट कर लेंगे। अगर आपके 4 पैराग्राफ आते हैं एग्ज़ाम में, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से एक पैराग्राफ ऐसा है जो कि आपको नहीं बताया गया, वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस का होता है। 3 पैराग्राफ जो होंगे सिर्फ उन्हीं का स्कोर आपको आपका एंड रिजल्ट में मिलेगा। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सवाल होंगे, और आपने हर सवाल के ऊपर कोशिश करनी है कि 1 मिनट के अंदर जवाब देना है। दूसरा पार्ट जो है लिसनिंग के बारे में, लिसनिंग के अंदर आपने 4 से 6 लेक्चर्स होंगे या 2 से 3 कन्वर्सेशन होंगी आपने वो सुनने हैं। तकरीबन 6 से 7 टास्क होंगे, आपने हर टास्क के आखिर में उसका जवाब देना है, और इसके जो सवाल आपको 3 नौयत के होंगे, इसको आपने समझना बहुत ज़रूरी है। 3 किस्म के जो सवाल हैं, एक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और एक है मल्टीपल आंसर्स, और एक है रीप्ले क्वेश्चन। 3 किस्म के सवाल आप पूछे जाएंगे आपसे। पहला जो सवाल है वो बहुत सिंपल सा होगा, उसमें आपको 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, और वैसे आपने कोई एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होगा कि आपने इस लेक्चर में इसके बारे में क्या सुना, और उसके बारे में क्या मेंशन किया गया, और उसके मुताबिक क्या बताया गया, और उसके 4 ऑप्शन आपको बहुत सिंपल होगा। दूसरा जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, उसमें आपसे कहा जाएगा कि प्रोफेसर ने इस लेक्चर में जो एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया है, मैं एक मिसाल दे सकता हूँ जो कि मुझे एग्जाम में आया था, ये प्रोफेसर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, और उसके बारे में उसके आंसर में वो 5 ऑप्शन देगा, जिसमें से 2 सवाल भी ठीक हो सकते हैं, 3 भी ठीक हो सकते हैं, 4 भी, 1 भी ठीक हो सकता है। तो वो आपने थोड़ा सा क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से। और फिर जो तीसरे किस्म का सवाल है लिस्टिंग के अंदर, वो होता है रीप्ले क्वेश्चन। रीप्ले क्वेश्चन ये होता है कि पहले आप एक लेक्चर या कन्वर्सेशन करेंगे, और उसके बाद वो एक सेंटेंस या 2 फ्रेजेस या 3 फ्रेजेस रिपीट करवाएंगे रीप्ले में, और वो आपसे उसके मुतालिक पूछेंगे कि जब प्रोफेसर ने ये कहा तो इसका क्या मतलब था, और नीचे वो आपको ऑप्शन देंगे। तो लिस्टिंग के अंदर आपको 21 नंबर रिक्वायर्ड है, जो कि आई थिंक ईजिली आप आराम से कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश बेसिक्स से थोड़ी सी बेटर है। तो लिसनिंग और स्पीकिंग, इसके अंदर 22 और 21 कंजेक्टिवली आपको नंबर चाहिए। तो बाकी की वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगा स्पीकिंग और राइटिंग के बारे में। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।